बिल्कुल फर्जी केस है। हमारी बिल्कुल कट्टर ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम एक पैसे का भी भ्रष्टाचार ना करते हैं और ना बर्दाश्त करते हैं। जैसे अभी आपने पंजाब में देखा, एक मंत्री की ऑडियो रिकॉर्डिंग ही थी और उसके आधार के ऊपर किसी भी एजेंसी को नहीं पता था, किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, किसी विपक्ष को नहीं पता था। हम चाहते तो दबा देते, लेकिन हमने खुद उस मंत्री के खिलाफ एक्शन लेके उसको गिरफ्तार करा दिया। ऐसे ही 5 साल पहले दिल्ली में हुआ था, हमारे एक मंत्री की मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी, मैंने उसे मंत्रालय से भी बर्खास्त किया और सीबीआई को सौंप दिया। तो हम एजेंसीज की वेट नहीं करते कि किसी दिन एजेंसी, हम तो खुद ही एक्शन लेते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो केंद्रीय एजेंसीज एक्शन लेती हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो सतेंद्र जैन जी के इस केस को मैंने खुद पर्सनली सारा स्टडी किया है। ये बिल्कुल कम्प्लीटली फर्जी केस है, बिल्कुल उनको जानबूझ के पॉलिटिकल कारणों की वजह से फंसाया गया है। तो मैं समझता हूँ सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है। तो भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और वो बहुत जल्दी, हमें जुडिशरी के ऊपर भरोसा है और जुडिशरी न्याय करेगी और वो निकल के आ जाएंगे, और इस फर्जी केस टिकने वाला नहीं है।